मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालय नूरपुर में स्थायी कैंप लगाया गया, जिसमें कोई भी मतदाता कार्यालय में आकर ईवीएम और वीवीपैट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी संदर्भ में आज भी नए मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए नूरपुर व इंदौरा के निर्वाचन कानूनगो संजय शर्मा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 चुनाव की आरंभिक तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। निर्वाचन 2019 की तैयारियां जो है जोरों पर हैं, जिसमें नूरपुर विधानसभा क्षेत्र और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का जो प्रभार है मेरे पास है, और यहाँ SDM नूरपुर को जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और SDM इंदौरा जो है वो नोडल ऑफिसर हैं इसके। आज तक की जो तैयारियां हमारी शुरू हुई हैं वो हैं, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी मीटिंग उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और हमारे नोडल ऑफिसर्स विभिन्न टीमों के जो 17 प्रकार के नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी टीम अपनी जो कार्यक्रम जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं, और जो हमारी हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के जारी होने पर तुरंत जो है अपनी एक्टिवेट हो जाएंगी। हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन और पोलिंग स्टेशन लगभग संपूर्ण है। हमारे 115 पोलिंग बूथ नूरपुर के और 116 पोलिंग बूथ इंदौरा कंस्टिट्यूंसी के हैं, जहां पर सेक्टर ऑफिसर द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य जो है पूर्ण कर लिया गया है, और जिसमें हमारे जो चेंजिंग्स माइनर चेंजिंग्स हैं वो करवाने के लिए जो हमने प्रस्तावना जो उपायुक्त महोदय कांगड़ा को लिख दिया गया है। और अभी जो हमारे इस वक्त के जो वोटर्स हैं वो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे 42,993 जो है मेल वोटर्स और 40,944 फीमेल वोटर्स, टोटल 83,937 83,937 वोटर्स जो हैं वो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, और 83,563 कुल वोटर्स जो हैं वो इंदौरा कंस्टिट्यूंसी के हैं। 3 मार्च को फिर से द्वारा से एक स्पेशल जो हमारी बूथ लेवल पर एक कैंप होगा, जिसमें अगर कोई फिर भी लेफ्ट आउट वोटर्स है, कोई भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस 2019 के मतदान इसमें हमारे मतदान में किसी भी प्रकार का कोई भी वोटर हमारा जो 1/1/2019 को अपनी आयु पूर्ण करता हो वो छूटना नहीं चाहिए। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 3 मार्च को एक बार फिर से हमने हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जो हमारे प्राइवेट कॉलेज या नर्सिंग कॉलेजेस या और की तरह के औद्योगिक संस्थान हैं ITIs हैं वहां पर भी हमने इस कार्यक्रम को जो आगे ले जाने के हमारे जो प्रयास रहेंगे, और इसको हमने 3 तारीख को फिर से एक सभा रखी है जिसमें कि जो भी कोई लेफ्ट आउट वोटर्स हैं वो अपना वोट बनवा सकते हैं, और ताकि वो अपना लोकसभा